हाय फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 19 एग्ज़ाम, जो कि रेलेवेंट होंगे पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स के लिए। इस बार काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई है डीटी में, पर बिना आपका वक्त ख़त्म करवाए हम फटाफट सिर्फ हमारी काम की जो बात है उसको पढ़ते चलेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इससे आपका काम फटाफट हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि आपका ये काम कम से कम समय में हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में सिर्फ 15-20 दिन बचे हैं उन लोगों के लिए जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, और जो एक ग्रुप दे रहे हैं सेकंड ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है। बिना टाइम वेस्ट करें हम हमारी आज की पहली अमेंडमेंट पर आ जाते हैं। पहली अमेंडमेंट है हमारी आज की, जो है रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। रीसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है HCL टेक्नोलॉजीज़ के केस में कि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें फ्रेट चार्जेस, कम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस को हम नहीं इंक्लूड करके चलेंगे। अगर इंक्लूडेड है तो हम उसको माइनस करके चलेंगे। ये ऑप्शन न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या किसी तरीके से MCQ के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चलेंगे। सेकेंड अमेंडमेंट पे आते हैं, जो सैलरीज से रिलेटेड है। सैलरीज में पिछली बार भी काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे और इस बार सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट ये है कि जो एम्प्लॉयज़ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के रूल्स के अंडर कवर नहीं भी होते हैं उनके लिए भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। तीसरा और काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, जब हम स्टॉक एंड ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल असेट में, आप समझिए ऐसा कुछ सामान है जो आप दुकान में रख के बेच रहे थे, आप उसको उठा के घर पे लेकर आ गए, जब आप ऐसा कन्वर्जन करेंगे तो वो टैक्सेबल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जो आपकी इनकम है उसको माना जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। बट अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का कोई रूल दिया हुआ नहीं था, इस बार से इसका रूल दे दिया गया है। रूल का नाम है 11UAB। ऑलरेडी 11UA सीरीज़ के हमारे इनकम टैक्स में रूल्स थे, अभी उसमें एक्सटेंड करके 11UAB दे दिया है, जिसका जिस्ट या जिसका क्रक्स ये है कि अगर आप स्टॉक एंड ट्रेड को लेकर आ रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर आ रहे हैं अपने स्टॉक एंड ट्रेड में से कैपिटल असेट बनाने के लिए, या लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू मान ली जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। एकदम स्वीट, एकदम सिंपल। सेकेंड कैटेगरी है इसमें कि अगर आप जो हमारी IFOS की एसेट्स रहती है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, शेयर द सिक्योरिटीज, इन असेट्स को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो ऑलरेडी रूल में दी गई है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ये रूल को जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा। और ये हालांकि इतनी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, पर फिर भी हम उसको देख के चलेंगे। तो जो वैल्यू वो रूल देगा सेम वैल्यू यहाँ पे भी अडॉप्ट कर ली जाएगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हम नहीं करेंगे। और तीसरा कैटेगरी है, जो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी दोनों में नहीं आता है, वो आ जाएगा हमारी उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ऑन सेल। अगर आप वो असेट को लेके मार्केट में बेचने जाते, जितने पैसे आपको मिलते वो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। आगे भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, पर हमको क्योंकि वीडियोस शॉर्ट रखने हैं तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।